Hey, what's up guys, you are watching One Time Technician. I'm Sharuk, let's start right now. तो गाइस म्यूज़िक सुनना तो सभी को पसंद होता है और ईयरफोन या हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुनना सभी को ज़्यादातर पसंद आता है। और अगर आप अपने ईयरफोन को लगाकर अपने घर से बाहर आउटडोर में चले जाते हैं या ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप ईयरफोन लगा के अपने स्मार्टफोन को रख लेते हैं अपने पॉकेट में। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा सॉन्ग आता है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं या कि यानी कि ट्रैक को चेंज कर देना चाहते हैं और उसको चेंज करने के लिए आपको अपना स्मार्टफोन जो है वो अपने पॉकेट से बाहर निकालना होता है और तब आप उसको चेंज कर पाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने स्मार्टफोन को पॉकेट से निकाले बिना ही ट्रैक को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को आप बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। दोस्तों आपके ईयरफोन में एक बटन होगा तो अगर आप उसको प्रेस एंड होल्ड यानी कि उसको 2-3 सेकंड के लिए दबाए रखेंगे और उसमें आप कमांड देंगे तो आपका सारा जो म्यूज़िक एप्लीकेशन है वो कंट्रोल होगा आपके केवल कमांड देने पर। यानी कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं नेक्स्ट ट्रैक तो आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा, प्रीवियस ट्रैक बोलेंगे तो पिछला ट्रैक चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, इस तरह की कमांड को यूज़ करके आप अपने म्यूज़िक एप्लीकेशन को कम्प्लीटली कंट्रोल में ला सकते हैं। दोस्तों ये जो ट्रिक है जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये काम करती है गूगल असिस्टेंट के थ्रू। और दोस्तों जिस भी लैंग्वेज में आप कमांड देना चाहते हैं यानी कि हिंदी में कमांड देना चाहते हैं या इंग्लिश में कमांड देना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज आपको इसमें सेट करनी होगी। अगर आप हिंदी में कमांड देते हैं तो आपको हिंदी सेलेक्ट करनी होगी और इंग्लिश में कमांड देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करनी होगी। और आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि गूगल असिस्टेंट के अंदर लैंग्वेज को कैसे सेट करते हैं और ये जो फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप अपने ईयरफोन के बटन से आप अपने म्यूज़िक एप्लीकेशन को कंट्रोल करेंगे तो इस ऑप्शन को गूगल असिस्टेंट के अंदर कैसे एनेबल करते हैं तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिएगा हमारा ये वीडियो। तो गाइस किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस का जो म्यूज़िक प्लेयर है वो काम करता है गूगल असिस्टेंट के थ्रू। और दोस्तों गूगल असिस्टेंट काम करता है गूगल एप्लीकेशन के थ्रू। तो गूगल असिस्टेंट को लॉन्च करना मैं अभी आपको बताऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि गूगल ऐप में आपको क्या सेटिंग करनी है। गूगल ऐप में आप ओपन करेंगे गूगल ऐप को और नीचे बॉटम में देखेंगे यहाँ पे आपको मोर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है सेटिंग्स का। तो सेटिंग्स में जाएंगे आप, तो भाई सेटिंग्स में जाने के बाद आपको गूगल असिस्टेंट जो तीसरे नंबर पर दिख रहा होगा तो गूगल असिस्टेंट पर जाएंगे और यहाँ पर हम गूगल असिस्टेंट की सेटिंग्स को सेट कर देते हैं। तो दोस्तों सेकेंड नंबर पर योर इन्फो के बराबर में आप देखेंगे कि आपको एक असिस्टेंट का ऑप्शन मिल रहा होगा। असिस्टेंट के ऑप्शन में आप लैंग्वेज देखेंगे तो लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो असिस्टेंट की जो लैंग्वेज है वो मैंने हिंदी सेट की हुई है। अगर आप इंग्लिश ऐड करना चाहते हैं तो ऐड लैंग्वेज पे जाएंगे और इस लिस्ट में से इंग्लिश को सेट कर देंगे। याद रहे कि एक ही लैंग्वेज इसमें एक बार में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हिंदी भी सिलेक्ट कर लिया और इंग्लिश भी, तो कमांड पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। या तो आप हिंदी सिलेक्ट करें या इंग्लिश सिलेक्ट करें। तो ये तो हो गया दोस्तों लैंग्वेज को सिलेक्ट करना। अब बैक करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको म्यूज़िक कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऑप्शन एनेबल करना है। तो बस लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको म्यूज़िक कंट्रोल करने के लिए दूसरे ऑप्शन पर जाना है। तो उसके लिए आप बैक करेंगे, बैक करने के बाद जो गूगल असिस्टेंट के नीचे जो वॉइस का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर टैप करने के बाद आप सबसे लास्ट में देखेंगे कि आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे जो पहला है ब्लूटूथ ऑडियो रिकॉर्डिंग। यानी कि अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यह ऑप्शन एनेबल करना होता है। तो ये मैं आपकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में आपको बता रहा हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत कोई नहीं है इस टॉपिक से। दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है अलाउ ब्लूटूथ रिक्वेस्ट विद डिवाइस लॉक। यानी कि ये ऑप्शन जो मैंने एनेबल किया हुआ है ये है ब्लूटूथ डिवाइस के लिए, यानी कि ब्लूटूथ ईयरफोन या ब्लूटूथ हेडफोन्स के लिए। और दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में किसी वायर्ड हेडफोन या वायर्ड ईयरफोन का यूज़ करते हैं यानी कि जिसमें वायर होता है उसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको जो लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है अलाउ वायर्ड हेडसेट रिक्वेस्ट विद डिवाइस लॉक, तो आपको इसको एनेबल करना है। यानी कि इन दोनों को एनेबल कर लीजिए जिससे कि ब्लूटूथ डिवाइसेस और जो वायर वाले ईयरफोन या हेडफोन होते हैं दोनों ही वर्क करें आपके स्मार्टफोन में। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल से पहले नीचे इस बॉल के आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।